शासन का जो एचपी है वो क्या मेरा कॉलर पकड़ेगा? इस समाज के लिए तो मैं सबसे पहले गोली खाने के लिए तैयार हूँ। किया था लेकिन आपके जज्बे को सलाम करते हैं, आपकी
सारों को सलाम करते हैं कि आप ये एक छत्तीस ईसाई आदिवासी महासभा के एक आह्वान पर आपने जब जब हमने बुलाया मानव श्रृंखला के लिए ईसाई अधिकार न्याय यात्रा के लिए हमने बुलाया और आपने सहज निमंत्रण को स्वीकार किया और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ईसाई आदिवासी महासभा को जिनके द्वारा अथक प्रयास से आज छत्तीसगढ़ में सभी जितने चर्चेस हैं, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च हो, चाहे NWGL चर्च हो, चाहे GL चर्च हो और जितने भी CNI चर्च हैं, जितने चर्चेस को जोड़कर एक मंच में लाने का प्रयास किया है। मैं दिल से ईसाई आदिवासी महासभा के जितने भी प्रदेश लेवल के और जिला लेवल के और ब्लॉक लेवल के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से हम लोग यूट्यूब में समाचार पत्रों में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। हमारे बीच में जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि तीनों दिन हमारा जो ईसाई अधिकार न्याय यात्रा था, तीनों दिन हमारे साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर उन्होंने मीडिया कवरेज किया और यूट्यूब के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह यह समाचार को फैलाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पुलिस प्रशासन को, इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान किया हो, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज जो खाना बना हुआ है आप आगे होके यहाँ से जाना है और बड़ी मेहनत करना है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन और एक आह्वान भी करना चाहता हूँ आप लोगों को, जब जब ईसाई आदिवासी महासभा आपसे आह्वान करती है खासकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, तो इसी जोश और इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ में आप लोग प्रमुख होइएगा और हर कार्यक्रम में आपके सहयोगी बनिएगा और जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, उसके खिलाफ में इसी तरह मिलकर हम सब लड़ेंगे, करेंगे ना। जय हो, जोरदार बोलिए, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।